इजरायली सेना ने बिना बताए कुछ ऐसा काम किया है जो दुनिया भर में हलचल का कारण बन रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेसी में भारत ने लगा दी है लंबी छलांग। रैंकिंग भारत की आई है, जानेंगे भारत ने किसे किसे पीछे छोड़ा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। गाजा में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, वैसे में कई सारी चीजें निकल कर सामने आ रही है और इजरायली सेना पर कुछ आरोप भी लग रहे हैं। इजरायली सेना पर आरोप लग रहा है कि उसने बिना प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बताए गाजा पट्टी में टैक्टिकल युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है, जिसका मकसद गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पहुंचने देना है। आपको बता दूं, इस वक्त ना बहुत सारी चीजें ऐसी चलती हैं जिन चीजों को लेकर कंफर्म कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसा ही इस वक्त इजरायली सेना के अंदर भी हो रहा है। इजरायली सेना ने रविवार को घोषणा की कि वो सहायता पहुंचाने में सुविधा देने के लिए दिन के समय दक्षिणी गाजा पट्टी के एक हिस्से में सैन्य गतिविधियों के लिए थोड़ा देर के लिए विराम देगी। ये एक घंटा हो सकता है, दो घंटा हो सकता है, और इस समय जो खाने पीने की चीजें हैं, जो मानवीय सहायता की चीजें हैं, इनको आगे जाने दिया जाएगा। हालांकि नेतन्याहू मंत्रिमंडल में इस चीज को लेकर बहुत चर्चा चल रहा है। कहा जा रहा है कि इजराइल ने केरेम सालोम क्रॉसिंग के तहत एक छोटा सा गलियारा जिससे लोगों तक खाना पहुंच सके, उसके लिए ऐलान किया है। हालांकि इजराइल का दो पक्ष है। एक पक्ष ये कहता है कि इजराइल जो बच्चे हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए खाना पानी दे, और एक पक्ष है जो ये कहता है कि जो खाना पानी जाता है वो इन तक नहीं जाता है, ये छीन कर ले जाते हैं हमास के लड़ाके और फिर हमास हम पर ही वार करता है, और यहाँ इस तरीके की स्थिति बन जाती है। जो बाइडेन ने 3 चरणों का एक परमानेंट युद्ध विराम प्रस्ताव दिया और कहा कि इसको मान लो और युद्ध को रोक दो, लेकिन क्या हमास मानेगा? 3 चरणों का ये प्रस्ताव है। पहले चरण में ये कहा गया है कि युद्ध को फौरन रोकते हुए हर दिन गाजा में 600 ट्रकों को मानवीय सहायता लेकर भेजने दो, लेकिन अभी तक इजराइल और हमास युद्ध विराम समझौते को लेकर सहमत नहीं हुए हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार क्षेत्र में अराजकता है और सक्रिय संघर्ष के कारण जमीन पर बढ़ती हुई मांगों को पूरा करना लगभग असंभव हो जा रहा है। कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इजरायली सेना ने जो ये युद्ध विराम की घोषणा की है, देश के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। वैसे इजरायली सेना ने कहा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने युद्ध बंद कर दिया है, राफा में लड़ाई वास्तव में जारी रहेगी। जिस क्षेत्र में युद्ध विराम लागू हो रहा है वो केवल एक विशेष रूप से छोटा रास्ता है, लेकिन प्रधानमंत्री को बिना बताए युद्ध विराम की घोषणा ने इजरायल की राजनीति में कथित तौर पर भूचाल ला दिया है, और ऐसा माना जा रहा है कि इजरायली सरकार के मंत्रिमंडल में मतभेद काफी गहरा गया है। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को समर्थन देने वाली कई पार्टियों ने धमकी दे रखी है कि इजरायली सरकार अगर ये युद्ध विराम प्रस्ताव मानती है तो अच्छा नहीं होगा। एक सर्वे किया गया जिसमें कहा गया कि करीब 70% इजरायली नहीं चाहते हैं कि गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पहुंचाई जाए। अब यहाँ पर देखना होगा कि क्या ये सच है या फिर एक इन्फॉर्मेशन वॉर है, एक गलत तरीके से सूचनाएं फैलाई जा रही है। फिलहाल के लिए इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, पर इस फैसले ने एक बड़ी हलचल जरूर मचा दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, और आपको बता दूं, जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स आया है। अब इस इंडेक्स के बाद पीएम मोदी और उनके विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के लिए ये अग्नि परीक्षा हो गई है। अब इस अग्नि परीक्षा में भारत कहां पहुंचा है? सबसे पहले आपको बता दूं, जियोपॉलिटिक्स को अपने हिसाब से चलाने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं डिप्लोमेसी, यानी कि आपकी ही बात मानी जाए, आप ही सर्वोपरि रहें। इस बार जो जी शिखर सम्मेलन हुआ ना, वहां पर भारत को बतौर अतिथि आमंत्रित किया गया, और ये जो सेंटर में फोटो देखने को मिला,
ये सेंटर में जो फोटो है ये बता रहा है कि भारत तेजी से ग्लोबल डिप्लोमेसी का खिलाड़ी बन रहा है। भारत में लोकसभा चुनाव खत्म होने और लगातार तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी की ये पहली विदेश यात्रा थी। G7 शिखर सम्मेलन में ये लगातार पांचवी भागीदारी थी। हालिया समय में G7 शिखर सम्मेलन में लगातार पीएम मोदी को आमंत्रण मिलना ये बताता है कि विकसित दुनिया में भारत का महत्व कैसे बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये इशारा कर रहा है कि भारत की भागीदारी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। G20 के बाद भारत का कद भी बहुत तेजी से बढ़ा है। अब 2024 का ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स आया है। इस इंडेक्स में ये कहा जा रहा है कि भारत जिसने जनसंख्या और आर्थिक वजन के मुताबिक अपने राजनयिक नेटवर्क का ऐतिहासिक रूप से विस्तार किया है, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते राजनयिक नेटवर्क में से एक बन गया है। 2024 ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स में 194 पोस्ट में भारत का इंडेक्स 11वें नंबर पर पहुंच गया है और भारत ने कनाडा, दक्षिण कोरिया, स्पेन जैसे देशों को डिप्लोमेसी में पीछे छोड़ दिया है। भारत ने साल 2021 में 11 नए राजनयिक मिशन खोले हैं जिनमें ज्यादातर देश अफ्रीका से हैं। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की मुख्य आवाज बनने की कोशिश कर रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इसके लिए भारत ने अफ्रीका में तेजी से पांव फैलाना शुरू कर दिया है और 2021 से भारत ने जितने राजनयिक मिशन खोले हैं उनमें से 75% मिशन अफ्रीकी देशों में है। इसके अलावा लिथुआनिया, काबो वर्डे में भी भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैसे आपको बता दूं, इस ग्लोबल इंडेक्स में नंबर 1 पर कौन है? ग्लोबल इंडेक्स में नंबर 1 पे है चाइना और नंबर 2 पे है अमेरिका। अब आपके मन में ख्याल आएगा, अच्छा चाइना तो है ही ना एक नंबर पे, तो चाइना ने आज से कूटनीति का खेल खेलना नहीं शुरू किया है। चाइना ने पैसे और कूटनीति के बल पर BRI का जाल काफी लंबे समय से फैलाना शुरू किया है, व्यापारिक रिश्ते काफी लंबे समय से बनाना शुरू किया है। अब भले धीरे धीरे कमी आ रही है लेकिन अब तक जो उसने जाल फैलाया है वो काफी दूर तक फैला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तुर्की का, तो तुर्की भी भारत से आगे है क्योंकि तुर्की भी मुस्लिम देशों का खलीफा बनने के नाम पर इसने भी अपने संबंध कई सारे जगहों से बढ़ाए हैं। भारत को इस लिस्ट में इस साल 11वें नंबर पर ले रखा गया है। भारत को लेकर कहा गया कि पिछले कुछ सालों में कई बड़े वैश्विक शक्तियों को पीछे छोड़ दिया। मोदी सरकार के आने के बाद भारत ने डिप्लोमेसी में काफी तेजी से पांव फैलाए। मोदी सरकार आने से पहले भारत की रैंकिंग काफी नीचे थी। भारत ने एशिया के साथ साथ अफ्रीका और यूरोप में तेज विस्तार किया है। वैसे आपको बता दें, रिपोर्ट में कहा गया कि पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत की कूटनीति ने तेज रफ्तार पकड़ी है, खासकर चार क्षेत्रों में, और इन चार क्षेत्रों में आगे भी बढ़ता चला गया है भारत। चीन को काउंटर करने में भारत की ये डिप्लोमेसी बहुत ही ज्यादा काम आ रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।